हाय फ्रेंड, यूनिक वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताने जा रही हूँ जो काफ़ी यूजफुल हैं। तो आज का हमारा पहला सेंटेंस है, काम हुआ कि नहीं। आप किसी को कोई भी वर्क देते हो, जैसे आपने किसी को गाड़ी ही ठीक करने के लिए दे दी, या कोई पैसा ही जमा करने के लिए दे दिया, या कोई और भी अदर वर्क दे दिया, तो आप उससे पूछते हो काम हुआ कि नहीं। अगर आपको अंग्रेजी में पूछना हो तो आप क्या कहेंगे? आप इसे कहेंगे Whether work has been done or not। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आप गुस्सा होंगे। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे यू विल बी एंग्री। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, हिम्मत है तुझ में? कोई मुश्किल काम ऐसा है जो आपने कर तो लिया, बट आप किसी और को भी उसे करने के लिए चैलेंज करते हो, और आप उससे कहते हो हिम्मत है तुझ में? अगर आपको अंग्रेजी में ये बात कहनी हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे डू यू हैव अ करेज। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, किस समय आओगे? इसे आप अंग्रेजी में क्या कहोगे? इसे आप कहोगे व्हेन यू विल कम। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम बहुत लड़ाकू हो। आपकी किसी से कोई बहस हो जाती है और आप उस पर गुस्सा होते हुए कहते हो तुम बहुत लड़ाकू हो। अगर आपको अंग्रेजी में यह बात कहनी हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे यू आर टू बेलिकोस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझ पर गुस्सा मत उतारो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी और का गुस्सा आप पे उतारता है, तो आप उससे कहते हो मुझ पर गुस्सा मत उतारो। अगर यही बात आपको अंग्रेजी में कहनी हो तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे डोंट वेंट योर एंगर ऑन मी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कपड़े उतारना। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं टेक ऑफ क्लोथ्स। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है किसको दूँ? इसे हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे टू होम। हमारा नेक्स्ट वर्ड है तलाकशुदा महिला। इसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिवोर्सी। और इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है, और हम फिर मिलते हैं नए सेंटेंस और नए वर्ड के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।